राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है एकादशी, रंग भरी एकादशी। तो मुझे कमेंट आया था कि आप एकादशी कैसे मनाती हैं, एकादशी की पूजा कैसे करती हैं। तो मैं आज आप सभी को इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं एकादशी की पूजा अपने घर में कैसे करती हूँ लड्डू गोपाल जी के साथ। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से एकादशी की पूजा करती हूँ। तो आज रंग भरी एकादशी है, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि रंग भरी एकादशी मैं किस प्रकार मनाती हूँ। तो आज 3 तारीख है, 3 मार्च को रंग भरी एकादशी इस बार पड़ रही है। और ये जो वीडियो अपलोड करूँगी मैं, वो 4 तारीख को यानी एकादशी के एक दिन बाद आपको देखने को मिलेगी। तो अभी 3 मार्च को रंग भरी एकादशी मैं ये मना रही हूँ और 4 मार्च को आप सभी को मैं ये वीडियो दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले मैं सुबह सुबह स्नान कराऊंगी। तो स्नान कराने के लिए यहाँ मैंने बर्तन ले लिया है लड्डू गोपाल जी के स्नान का, और स्नान के बर्तन के ऊपर स्वास्तिक ज़रूर बना लें, क्योंकि स्वास्तिक एक अच्छा चिन्ह है, शुभ चिन्ह है। तो कोई भी शुभ कार्य करते हैं स्वास्तिक ज़रूर बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले स्नान कराते समय मैंने लड्डू गोपाल जी के बर्तन में स्वास्तिक बना लिया है, थोड़े से पुष्प बिखेर लिए हैं बर्तन में। और आज क्योंकि आज रंग भरी एकादशी है, तो मैं लड्डू गोपाल जी को गुलाल के पानी से, गुलाल के जल से मैं उनको सबसे पहले स्नान कराऊंगी। और जल मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है ताकि उन्हें सुबह सुबह का मौसम हल्का फुल्का ठंडा होता है, तो हल्का सा मैंने जल को जो है गर्म कर लिया है, गुनगुना कर लिया है, और उसमें गुलाल मैंने मिक्स कर लिया है। और गुलाल मिक्स करने के बाद गुलाल के जल से मैं उनको स्नान करा रही हूँ। तो क्योंकि आज रंग भरी एकादशी है, तो मैंने यहाँ पर गुलाल के जल से मैंने उन्हें स्नान कराया। और गुलाल के जल से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से अवश्य स्नान कराएं। तो यहाँ पर मैं गुलाल के जल से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते हुए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। तो ये देखिए आज एकादशी का दिन है, मेरे कृष्णा बहुत खुश हैं और स्नान कर रहे हैं। और स्नान करना तो मेरे कृष्णा को वैसे भी बहुत पसंद है। तो हमारी आप देख सकते हैं वीडियो में, पीछे हमारी गौ माता विराजमान है लड्डू गोपाल जी के पास। मैं अपने हमारी गौ माता को हमेशा विराजमान रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है, और ये स्नान का जल मैं पौधों में डाल दूँगी। और स्नान कराने के बाद अब मैं लड्डू गोपाल जी को उनकी टॉवल से अच्छे से पोंछ लूँगी। तो यहाँ पर देखिए कृष्णा को मैंने उनकी पैंट पहना दी है, और उसके बाद उनको अच्छे से उनकी टॉवल से पोंछ लूँगी। और एकादशी की पूजा, मेरे पास कमेंट आया था कि आप जिस तरीके से एकादशी की पूजा करते हैं उस तरीके से हमको बताइए। तो आज एकादशी है, 3 मार्च का दिन है। तो एकादशी के दिन जिस तरीके से मैं बहुत ही सिंपल सरल तरीके से एकादशी की पूजा करती हूँ, उसी प्रकार मैं आप सभी को भी बताऊँगी। और मैंने चौकी लगाई है, मैं ज़्यादातर चौकी लगा कर ही करती हूँ। और आप चाहें तो मंदिर में भी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। और एकादशी की पूजा के लिए मैंने आज चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया है। और एकादशी की पूजा के लिए वैसे ज़्यादातर आप चाहें तो पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा होती है, विष्णु भगवान जी का व्रत होता है, और पीला वस्त्र, पीला रंग उन्हें बहुत प्रिय है। तो आप चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने पीले रंग की ही लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाई है। तो एकादशी के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि पीले रंग का ही वस्त्र का इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी को पीली पोशाक मैं अच्छे से उनको पहना दूंगी। और पोशाक पहनाने के बाद अब मैं उनका करूंगी श्रृंगार। तो सुंदर सा हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे, भव्य सा आज हमारे लड्डू गोपाल जी का बहुत सुंदर, मेरे से जितनी कोशिश हो सकती है उतना सुंदर मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करूँगी, क्योंकि एकादशी का दिन है, बहुत ही पावन पर्व है आज। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी को अच्छे से उनकी ड्रेस पहना दी है, और ड्रेस पहनाने के बाद मैं उनको उनकी ज्वेलरी पहना दूंगी, उनकी माला, उनका हार, सारी चीज़ें धीरे धीरे बहुत ही आराम आराम से लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्यार से सारे वस्त्र, सारी श्रृंगार मैं पहना दूंगी। और अगर आप सभी के पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं एकादशी वाले दिन, क्योंकि लड्डू गोपाल जी, राम जी, विष्णु भगवान जी, सब विष्णु भगवान के ही रूप हैं ये, राम जी और कृष्ण जी। तो लड्डू गोपाल जी जो हैं कृष्ण के ही बाल स्वरूप हैं।
तो यहाँ पर मैं देखिए, मैं एकादशी के दिन मेरे घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं लड्डू गोपाल जी को पूजा में बिठाती हूँ और साथ ही साथ श्रीमन नारायण यानी कि लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी की तस्वीर भी है मेरे पास। तो मैं दोनों चीज़ें, दोनों ही लड्डू गोपाल जी को भी और विष्णु भगवान की तस्वीर भी पूजा में बिठाती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ और उन्हीं के सामने मैं कहानी, जो एकादशी की जो भी एकादशी पड़ती है उस कहानी, उसकी कहानी मैं लड्डू गोपाल जी के सामने और विष्णु भगवान के सामने सुनाती हूँ, खुद सुनती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बातें करते करते हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए हैं तैयार और आप सभी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी आप सभी को कैसे लग रहे हैं, पीली पोशाक और हरी पगड़ी पहनकर, और उनका श्रृंगार आपको कैसा लगा। और अगर मेरे लड्डू गोपाल जी आप सभी को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताएं लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लगे। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैं उनको इत्र लगा दूंगी। लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत पसंद है, इत्र की खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैंने इत्र भी लगा दिया है। और इत्र लगाने के बाद अब मैं उनको उनका शीशा दिखा दूंगी, हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, शीशे में हमारे सुंदर से कृष्णा अपने आप को देख रहे हैं कि आज मेरा कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी अपने आप को शीशे में निहार रहे हैं कि आज वो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा कि लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लगे। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो अब मैं उनको उनके आसन पर, उनके पीछे थोड़ा चौकी पर मैं उनको विराजमान कर दूँगी और अब मैं चौकी पर अच्छे से सजा लूँगी। जो भी चीज़ें हैं मेरे को पूजा में चाहिए, मैं सारी यहाँ पे धीरे धीरे से सब पूजा करती रहूँगी। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान श्रृंगार करके उनको विराजमान कर दिया है और साथ ही साथ अब मैं विष्णु जी को और लक्ष्मी महारानी जी की तस्वीर भी यहाँ पर मैं विराजमान कर दूँगी। तो मैं लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी की और लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ एकादशी वाले दिन। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप विष्णु भगवान की तस्वीर से एकादशी की पूजा कर सकते हैं। एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही अच्छा होता है और इस व्रत की बहुत ज़्यादा महिमा है। एकादशी का व्रत कहते हैं कि 1000 गायों के दान के बराबर माना जाता है। तो एकादशी का व्रत आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो एकादशी के दिन नियम से पूजा ज़रूर करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है आज के दिन पूजा करना। तो यहाँ पर देखिए, वस्त्र स्वरूप सभी भगवानों को मैं कलावा समर्पित कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है और कलावा समर्पित करने के बाद सभी भगवानों को मैं पुष्प समर्पित कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने सभी भगवानों को सुंदर सुंदर पुष्प समर्पित कर दिए हैं और अब इसके बाद हम दिया जला लेंगे, दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दिए के लिए छोटी सी मैंने थाली ले ली है क्योंकि चौकी जो है वो छोटी सी है, तो आज मैंने दिए के लिए छोटी सी थाली ली है, उस पर पुष्प लगा लिए हैं और उसके ऊपर मैं दीप रखूँगी और दीप प्रज्वलित करूँगी और धूप दीप से मैं आरती करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सुंदर सा दीपक रख लिया है और दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। तो इसी प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से एकादशी की मैं पूजा करती हूँ। आप चाहें तो अपने मंदिर में भी एकादशी की पूजा कर सकते हैं, अलग से चौकी लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप अगर चाहें चौकी लगाना आप चाहते हैं तो आप चौकी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है, धूप दीप प्रज्वलित हो गए हैं और अब इसके बाद मैं भगवान जी को भोग के लिए यहाँ पर मैं ऋतुफल और आंवला, आंवला आप ज़रूर, क्योंकि ये रंग भरी एकादशी है, इसको आंवला एकादशी भी कहते हैं, आज के दिन आंवला का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो मैंने आंवला भोग में ज़रूर लगाए हैं और आज के दिन लड्डू गोपाल जी को आंवले का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और ऋतुफल लगा दिए हैं मैंने भोग में और साथ ही साथ तिल जो है हाथ में, तिल रख कर के आप कहानी पढ़ सकते हैं लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि आज के दिन चावल का उपयोग नहीं करते हैं, तो हाथ में चावल ना लेकर के आप तिल लेकर के कहानी सुन सकते हैं। जिस तरीके से मैंने अपने हाथ में थोड़े से तिल लिए हुए हैं और तिल को मैं मुट्ठी में दबा करके कहानी सुनूंगी। तो इस तरीके से मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, पूजा करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।